सबसे पहले मैं तमाम पेरेंट्स को, तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने नुमाया ताकत की इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बारे बात पेश करता हूँ और अपने तमाम जो डोनर्स हैं, बाकी जो गेस्ट हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस नोबल काज में जो कि हमारी एक सोसाइटी का एक पार्ट है और साबित है उसमें शिरकत भी कर रहे हैं और अपना अपना फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, फिजिकली भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे एक दो बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये इनिशिएटिव जो है स्लो लर्नर का, इसमें सोसाइटल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर लेवल पे एक कंसर्न है, एक कंसेंसस है कि हमारा ये जो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ये किसी भी दूसरे सेगमेंट या रेगुलर एजुकेशन से पीछे नहीं है। तो मैं तमाम जो इससे रहता लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल सोसाइटी के लोग हों, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और यहाँ पे जो इस सारे काम में जो 27 के मुस्तहिक लोग हैं वो हैं जो यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और सिंपली वो एक सबका जागिया कर रहे हैं, जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि ये इसमें जो हमारे बच्चे हैं ये स्लो लर्नर का एक जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही स्पेसिफिक है कि ये किसी भी तरह का किसी भी सलाहियत के लिहाज से काम नहीं है। सिर्फ ये है कि थोड़ी उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी मेंटल लेवल है उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। ये बिल्कुल ये बात नहीं है कि ये लड़के या ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स, ये बच्चियाँ ये किसी सोसाइटी में इनको इग्नोर किया जा सकता है। यही बच्चे आगे जाकर रेगुलर एजुकेशन में बाकी जगह पे एक नमाया करदर्द भी अदा कर रहे हैं और एक सोसाइटी में अपना करदार भी अदा कर रहे हैं। इसमें जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए उसमें अभी चूँकि अंडर प्रोसेस है कि ये प्राइमरी से आगे जो इसका अपग्रेडेशन है वो भी अंडर प्रोसेस है और बाकी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर हैं मैं भी इस हिसाब से भी डिस्कस कर रहा था कि एजुकेशन का और इंतजामिया का जो लाइजन है वो हम मजीद इंशाल्लाह इसमें बेहतर भी बनाएंगे। जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें जैसे कि पहले मैंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो एक्टिव कोलैबोरेशन है वो रखें, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग है उसको एक रेगुलर बनाएं ताकि मैक्सिमम जो है बच्चों का जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं वो एक पेरेंट्स टीचर्स की रेगुलर मीटिंग के साथ हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट के जो भी इस स्कूल से रेलिवेंट या बाकी रेलिवेंट जो भी हो, जो इंतजामिया से रेलिवेंट हो, ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर मैं अवेलेबल भी हूँ और बड़ा फख्र भी महसूस करूँगा कि स्लो लर्नर के लिए मैं अपनी की बात भी पेश करूँ एंड आई विल गेट सेटिस्फाइड। इसमें जो गलती क्वेश्चन होगी काफ़ी पहले यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर साहब से अफजाल साहब से वो चूँकि इजाज से काम करते थे रमजान के महीने में मेरा उनसे काफ़ी इंटरेक्शन रहा और उनसे काफ़ी इन चीज़ों के बारे में बात भी करी, होपफुली उन्होंने विजिट भी किया होगा इस जगह को भी, उनसे डिस्कस भी होता रहा। तो मैं एक बार उनसे आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी उनसे पहले जो मुलाकात हुई तो वो जवाहरलाल स्टेडियम में रमजान बाजार को विजिट करने आए, वो जब गाड़ी से उतरे तो उन्होंने मुझे उनसे पहले मुलाकात उनसे पहले नहीं थी, उन्होंने गाड़ी से उतरते ही मुझे कहा ऐसी साहब आप मतलब बोलते हैं मैं आपको मिलने से बोल आना चाह रहा था। आई वॉज सरप्राइज के मतलब सेठी साहब हैं, मेरा कोई इंटरेक्शन भी नहीं है तो ये मुझे आते ही पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, मुझे कहते हैं कि मैं आपसे मिलने से बोल आना चाह रहा था। तो मैंने थोड़ी देर बाद जब उनसे बात हुई तो मुझे खुद ही कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन आया हूँ तो मुझे पता चला कि सरगोधा का एसी है उसने आई वेल पोस्टेड डेयर के और गुजरात, तो उसने वहाँ पे एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के लिए स्लो लर्नर के लिए और बाकी यूजली इम्पेयर्ड जो डिपार्टमेंट है उसके लिए वहाँ पे कब्जा की जमीन थी तो वो बाजार कर रही है और वहाँ पे उन्होंने उसका प्रपोजल दिया।
जमीन की अलाटमेंट के लिए ऑलरेडी अलाट था पिछले कई सालों से वहाँ पे कब्जा था, तो मुझे बस उन्होंने आके ये कहा तो स्पेशल एजुकेशन के थे कि सर ये हमारे जमीन पे हमें अगर मुक्त हो जाए तो हमारे इस पर कब्जा हुआ हुआ है, तो अगर ये आप करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी सूटेबल है। तो मैंने बगैर किसी उसके रिलीजन के आई पर्सनली फॉलोड इट कंसिडरिंग के पता नहीं हम जिंदगी में कितने काम करते हैं, तो कोई ना कोई उसका भी काम करें जिससे दिल को सेटिस्फैक्शन हो। तो मैंने उसको फॉलो किया और उनके जो नजायज़ कब्जे थे उनके साथ मुकदमा दर्ज कराए, पर्सनल इंटरेस्ट लेके जमीन खाली कराई, ना सिर्फ खाली कराई बल्कि उसको फॉलो करवा के वहाँ पे रेफरेंस भिजवाया कि यहाँ के लिए कोई रेडी मेड फंड मुख्तस करें और ये यहाँ पे जो है इसको प्रोसेस किया जाए। तो वो कह रहे थे कि द बस टाइम पे कोई मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने आगे बताया कि वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर था, उसने ये सारा प्रोसेस करके तो हमारे सर्टिफिकेट में ये पहुँचाया। आई विल रेडी आंसर। तो इस बात का करने का मकसद यह है कि चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो हमें उसको बगैर किसी इसके कि हमारी इसमें सिफारिश हो या हमें इसमें कोई रिटर्न में मिले, जब आप एक अल्लाह की रजा के लिए और अपने एक जमीर की सेटिस्फैक्शन के लिए और एक अच्छे गुड वे में चीज़ें कर रहे होते हैं, आई पर्सनली हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस चार्ट आप आई सकते कि अल्लाह से पहली रजा करता है। एंड इन दिस कैपेसिटी आई वुड रिक्वेस्ट अदर यू कि आप अपने अपने पार्ट से इस स्लो लर्नर के लिए या स्पेशल एजुकेशन के लिए जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे डेट विल बी रिटर्नेबल अल्लाह पाक की तरफ से, वो होगा दुनिया में गवर्नमेंट में या यहाँ पे आपको वो शायदा मिले। इसी तरह मैं टीचर से भी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इसको एक मॉरली रिलीजियसली एक वो ड्यूटी समझे जिसकी वो कहें कि अल्लाह पाक ने आपको एक खास आजमाइश दी है और अल्लाह ने आपको ये हिम्मत दी है, तो इसकी इस्तेदाद जो रखी आपने अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दी है उसको समझते हुए इसमें अपना रोल प्ले करें। यही हमारे मैंने अपने बच्चे कल को इसी पाकिस्तान का इसी सर्विस में यहाँ पे कोई आके असिस्टेंट कमिश्नर खड़ा होगा, यहाँ पे आके यही लोग जो है वो टीचर बनेंगे और माशरे में अपना रोल प्ले करेंगे। आई एम एन टू करेंगे अल्लाह के वो आल द स्टूडेंट्स आल द टीचर आल पेरेंट्स और उसके साथ साथ जितने हमारे दोस्त मेहमान हैं उन सबकी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में वो आए, और मैं इंतजामिया का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे भी एक इस काबिल समझा कि कोई उन्होंने मुझे बताया और हमारे शिक्षक कृष्ण साहब ने बच्चों के अवसर जाहिर भी कर रहे थे, मैं सबसे पहले सिदारी के प्रिंसिपल और अपने मौलवा को कायदे तहसीन पेश करता हूँ कि हमारे इन स्लो लर्नर और स्पेशल बच्चों को वो जिंदगी के अंदर कामयाब और कामरान इंसान बनाने के लिए आप तमाम काफी सलाही दें और तवज्जो करें। मेरा एहसास ये है कि समाज के अंदर लोग एक दूसरे का सहारा बन सकें, खिदमत इंसानियत को अपनाना और बचाना बना लें, और गुजरात की धरती बलाशुबा इस बात पर फख्र कर सकती है कि उसने मातृ वतन की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा निशान हैदर हासिल की। गुजरात की धरती ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इतने बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जिनमें भी जावेद भट्ट साहब और उनकी टीम कैंसर और ऑर्थोपेडिक अस्पताल का आगाज इन्होंने किया है। मुझे याद है उस तकरीब में था डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब उसके चीफ गेस्ट थे और मुझे भी वहाँ गुफ्तगू का मौका मिला। तो 47 करोड़ रुपये के हथियार बगैर किसी सरकारी सरपरस्ती के आम लोगों ने सोसाइटी के लोगों के हवाले किए और इसी एतबार से ट्रामा सेंटर है, 50 से ज़्यादा वाटर रिटेंशन प्लांट है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी का हौसल है कि जिस पर हम बजा दो पर फख्र कर सकते हैं। वो शायद कहता है बता के आशिक होते हजारों बलों में फिरते हैं मारे
ऐसी गलत बात है। अल्लाह के कुरान के अंदर वादे तौर पर है कि अल्लाह ताला तुम्हें ऐलानिया खर्च करने का भी और खामोशी से खर्च करने का भी हुक्म है। और आपने ये बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी अल्लाह को तुम्हारा, तो वहाँ कौन सा मीडिया था, जरा अमलाक थे कोई, कोई कैमरा मैन था? इस वीडियो को किसने वायरल, किस वीडियो को रखे कायनात ने वायरल करते बता कि हमने इब्राहिम का जिक्र बाद में अल्लाह को नहीं छोड़ा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक सारा सामान खा के डायर कर गया, हमें कैसे पता चला ये वीडियो वायरल जो की गई या अल्लाह के लाल ने वायरल की? रब कायनात पर उन्होंने तस्दीक लगाई कि जब अबू बकर सिद्दीक ने जरा ताल में बैठे जा हजूर की मजलिस में खाना कंबल ओढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील से कहा कि जिब्रील तो बड़ी स्पीड बहुत तेज है, ये जब उनके जहाज और राकेट की स्पीड जिब्रील के मुकाबले में कुछ नहीं, कहा जिब्रील आज तरह जल्दी जाकर मेरे बाबू की मजलिस में, वहाँ एक बंदा बैठा है काला कंबल ओढ़ के, उसको जाके जरा सलाम कहें। तो हमारे सिस्टर कमिश्नर साहब बैठे हैं, हमें तो किसी खानदान का सलाम आ जाए कि कहीं जाने हमारी फिकीन जो है वो तंग होता चल जाए, डिप्टी कमिश्नर का आ जाए, डीपीओ का आ जाए, वक्त के मुंतखब वकील का आ जाए, गवर्नर का आ जाए, या वज़ीर आज़म वज़ीर आला का, तो बादशाहों के बादशाह का जब सलाम आए अल्लाह से जबरील जबरील सिंह जबरील जाकर उस काला कंबल ओढ़ कर बैठे हुए आदमी को मेरा सलाम है। एक बात उससे पूछ गया हूँ, ये जो सारा सामान उठा के लाए हैं आपके दिल को तंगी तो नहीं महसूस कर रहे? आपने जिन बातियों कह रहा पाँच दस लाख रुपये नौ छूट सकती थी, ऐसे ही पाँच लाख कह दिया, दो लाख कह दिया, पचास लाख। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दीन के अंदर ताला में ये बात पूछी तो रवायात के अंदर आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंखों से आंसू की छम छम साफ थी और कहने लगे या रसूल अल्लाह बस इतना पता करते अगर अल्लाह उसका रसूल मुझसे राजी है मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज़ में लिखा कि परवाने को जराब बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। मेरे भाइयों यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरनेशनल के दायरे के अंदर काम करते हैं, उन्हें भी मुतवज्जे करना है ताकि हमारे बच्चे बेहतर माहौल के अंदर देने का रास्ता हो सके। पिछले दिनों मुझे एक मैसेज आया था बड़ी की तरफ से, मुझे सही को याद नहीं उसमें क्या आपने लिखा था, जो भी आपने लिखा था उसमें डिमांड की थी उस रूप के मुताबिक आप उसको मुकम्मल कर दें इंशाल्लाह उसकी सारी जाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब और साथियों के नाम का शुक्रगुजार हूँ, मुझे आज के खूबसूरत आने की दावत दी और पिछले साल भी मुझे ऑफिस बच्चों का उसको भी शामिल होने का मौका मिला था, उस वक्त मौसम था उसके बावजूद माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आज का फंक्शन पिछले साल से बिल्कुल से भी ज़्यादा अच्छा है, इस पर आप तमाम लोग मुबारकबाद के मौके पर हैं और वो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो अगली क्लास में प्रमोट हुए हैं उनको उनके वादे और उनके साथ साथ बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो बच्चे हमारे साथ रहकर इस्लाम के पास तारीफ हासिल कर रहे हैं या उनके वाले हैं उनकी जब अच्छी तरीक व तरबियत की जाती है तो ये हमारी ड्यूटी के साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ी इबादत हुई है। इस खातिर इस काम में हमें गवर्नमेंट तो दे रही है पनाह की सूरत में बाकी बाकी इंसेंटिव की सूरत में, तो अगले जान भी अल्लाह ताला इस खातिर मजबूत देगा। खसूसी तौर पर जो हमारे सफर है आप यकीन जाने के जो भी लोग यहाँ पर आते हैं किसी न किसी वाले से आपके फंक्शन में शामिल होने का मौका मिलता है, स्कूल को देखने का मौका मिलता है, तो बाद में उनके छात्र इकराम की एडमिनिस्ट्रेशन की वो बड़ी तारीफ करते हैं और बल्कि ये बात होते हैं हमारे जो नॉर्मल स्कूल हैं जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वो
स्कूल की नस्बत या भी जो सारा इकाम है वो बच्चों को अच्छी तरीके से दे रहे हैं, इन पर आप बार-बार तो मौजूद मसाइल होने के बावजूद स्कूल अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। तो मैं उन मुखिर हजरात का किसी न किसी वाले से स्कूल की मदद कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने यह तकलीफ दी है कि वो तालीम के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मैं हमेशा किसी भी जब इस तरह के फंक्शन में बात करने का मौका मिलता है तो जो लोग तालीम से व्यवस्था होते हैं या तालीम के लिए अल्लाह ताला उन्हें मौका देता है कि आज वो पैसा खर्च करें, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि अच्छे काम पर जब बंदा पैसा लगाता है तो वही बंदा लगा सकता है जिस पर अल्लाह ताला का फजल होता है। तो हमारे माशरे में हम लोग अपनी नुमाइश के लिए अपना पैसा दिखाने के लिए जो फजूल काम है उन पर लगाते हैं, तो जो लोग अच्छे मकसद पर लगाते हैं वही लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला उस अच्छे काम के लिए मुंतखब करता है, वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये आज़ाद बच्चा है कि वो तालीम के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये हमारे बच्चे हैं उनकी तलीमी तबीयत उनकी वजह से अच्छे तरीके से हो रही है। तो आखिर में उन बच्चों को मुबारकबाद जो आज पास हुए हैं अपनी क्लासरूम में गए हैं उनके साथ काम की मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सबसे बढ़कर उनके वालदैन इनकी बड़ी खुशी का लम्हा है कि उनके बच्चे इस मकसद के लिए आए हैं, वो उसको पूरा करके अपनी क्लासरूम में जा रहे हैं। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये इदारा इस तरह अच्छे तरीके से काम करता रहे, जिस मकसद के लिए ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है बाकी लोग इसकी मदद कर रहे हैं उसमें वो इससे भी ज़्यादा अगले साल ज़्यादा कामयाब हो। और अपने स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक पुरपकार तकलीफ मुनक़द की और खसूसी तौर पर प्रिंसिपल साहब को इसकी ज़्यादा रिगार्ड देता हूँ कि ये ना एक सिस्टम के साथ जो भी मेहमान यहाँ तशरीफ लाते हैं उनके साथ टच रहते हैं और उन्हें अपने मसायल वगैरह वगैरह बयान करती हैं और इससे ना जो दोस्त होता है या मेहमान होता है उसके अंदर थोड़ा सा जज्बा बढ़ जाता है कि प्रिंसिपल साहब ने अपने जिम्मेदारी का एहसास किया, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप हमारे स्कूल को ये ज़रूरत है अगर आप कर सकते हैं या तो आप किसी दोस्त के जरिए करवा सकते हैं। तो ये यकीन जाने एक जदोजहद मुसलसल का नाम होता है कि आप अपने फैमिली के या आप अपने घराने के या आप अपने स्कूल के मसायल को जिनके जरिए हल हो सकते हैं उन तक पहुँचाया जाए, जैसे कि यहाँ ए सी साहब बैठे हैं जिनके मुतल जितने मसायल होंगे जाहिर उन तक पहुँचे, डॉक्टर तारिक सिंह साहब के मुतल जो होंगे उन तक पहुँचेंगे, मुझे नजीर तक वो के मसला हल हो सकता है मुझे पहुँचे। तो यकीन जाने ये बहुत कम टीचर्स पे या बहुत कम जो प्रिंसिपल होते हैं उनके होते हैं और मुझे यकीन जाने के खुशी है कि मेरे दिल में इन्होंने कुछ काम लगाए कुछ मैंने किए और ये कंप्यूटर या अपडेट थी यहाँ बच्चों के लिए बहुत मसला था। तो मेरे एक दोस्त है शहर पाठसा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने तमाम जो कंप्यूटर हैं वो अपडेट करवा दिए और आज ये सब बच्चे उससे तस्वीर हो मेरे दोस्त आए थे कुमार चंद्री से तो मैंने इनको बताया कि हाँ मेरे से दे है तो उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की और उसमें उन्होंने अपने खुशी से जो भी ज़रूरियात थी उसको फराम की। तो यकीन करें एक बात याद रखें कि अच्छे काम के लिए बढ़ते जाए अच्छे काम के लिए बढ़ते जाए। अगर आपकी गुजारिश है कि आप किसी को एक किताब लेकर दे सकते हैं तो ज़रूर लेकर, अगर आप किसी को गिलास पानी का दे सकते हैं तो ज़रूर दें, अगर आप किसी को एक दिन की मेडिसिन लेकर दे सकते हैं तो ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप जी एफ सी शहर के मालिक किसी किडनी सेंटर को 10 लाख रुपया महाना देते हैं लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत बिजनेस दिया। अगर मैं अपने साथ चलाता हूँ कि मैं अजमेर के मुद्दे मरीजा का जनरल सेक्रेटरी को मैं बाजार से रोड टू रोड फंड कलेक्ट करता हूँ 1.5 करोड़ रुपया,
तो एक दिन मैं बाजार से इकट्ठा करने जा रहा था तो एक रेड़ी वाले ने मुझे जहाँ से पकड़ लिया और रोक लिया कि भट्ट साहब बात सुने कि आप किसी मस्कीन का भी फट देते हो। तो यकीन जाने के मेरे अंदर एक खौफ की कैफियत पैदा हुई, एक अंदर मेरे ऐसे ना एक हलचल महसूस हुई। तो मैंने कहा क्यों नहीं, आप कुछ चीज़ें जो भी देना चाहते हैं तो हम देंगे। उन्होंने बड़े जज्बे और जोश से मुझे 50 रुपये दिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि GFC बैंक वाले अगर 10 लाख देते हैं तो उनको अल्लाह ने इतना दिया, लेकिन एक मजदूर जो 500 रुपये की दिहाड़ी देता है वो 50 रुपये देता है तो ये उसके बराबर ही उसको अल्लाह ताला रुतबा देता है। आप अपने वसीयत के मुताबिक, आप अपने जो वसाइल है उसके मुताबिक देंगे तो ये काम नहीं होगा। और इसके लिए मैंने आपने ना गुजरात कैंसर एंड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल आठ मिनार में हम बना रहे हैं हरियाणा चौक में, तो हमने उसमें सब को शामिल किया है। अगर कोई एक रूम लेना चाहता है अपने वालदैन के नाम पर तो वो 20 लाख दे सकता है, वो आपकी फैमिली के नाम पर रूम लिखा सकता है। और अगर कोई वार्ड बनाना चाहता है तो वो 1 करोड़ 70 लाख से बनती है। और एक पूरा फ्लोर लेना चाहता है, गुजरात के ऐसे भी दो बंदे हैं जिन्होंने पूरा 17 करोड़ का फ्लोर लिया है लेकिन उनके पास अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन हमने स्टूडेंट के लिए और एम्प्लॉयर के लिए और मकसद किसानों के लिए एक उसमें उनके बराबर हिस्सा रखा कि अगर एक ईंट भी लगाता है तो वो 1000 में है, उसमें वो उतना ही शरीक है जितना कोई 20 लाख दे सकता है या 1 करोड़ दे सकता है या कोई 10 लाख दे सकता है। जो 1000 की ईंट भी लगवाएगा वो भी हमारे दरमियान उतना ही शराब लगा रहे। तो इसलिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। और मैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब की शख्सियत से बड़ा मुतासर हूँ, इनके कामों से। उमर फराज मोहन साहब ने जैसे कहा कि अगर माए अगर स्टूडेंट और टीचर मेहनत करें तो आने वाले दिनों में कमर जुवेद बाजवा भी इंस्टीट्यूट जो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और इसी तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ भी एक घराने के फर्द थे। तो अगर कोई माँ या मेजर अजीज भट्टी शरीफ वो भी हमने से थे तो जो माए अपने बच्चों पर मेहनत करती हैं या टीचर करते हैं तो उनके बच्चे जो लाखों में एक नजर आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कामयाब हैं। तो आप अपने बच्चे को माए बाप का वो टाइम दें तो बच्चा ज़्यादा आगे जाता है। और यकीन जाने कि अल्लाह ताला हम सब को पाकिस्तान को आगे ले जाने की हिम्मत दे। और लोगों को इन्वाइट किया और इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए के जो लग रही बच्चों के लिए हौसला अफजाई की जाए। और मुझे बड़ा फख्र है कि इस तरह के मैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जहाँ पे लोग मतलब बड़ा मतलब इनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हमारी सिस्टम पिछले साल की फील से मुझे ऐसा लगा है कि ये 5वीं से 10वीं तक जाएगा, 10वीं से 12वीं तक जाएगा और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं एक बार बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है वो माशरे को बूस्ट अप करती हैं कि ये छोटे सितारे जो हैं ये जन्मदिन के छोटे फूल हैं जो ये बड़े इनका रोल होता है कि जगमगाने का उस वतन का जिसके स्लो लगने बच्चे भी इतनी
सकते हैं लेकिन सीखने में सुस्त होते हैं। इन्हें सीखने में बेशुमार मुश्किलात का सामना होता है। यूं समझिए कि दो अलग बचाव, ज़हनी मजबूत कैटेगरी और नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी यानी बॉर्डर लाइन कैटेगरी में आता है। और तरक्की याफ्ता हमारे लिए इन बच्चों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपको बुलाया जाए, पीडीएम हो या आपके बच्चे
जो है विदायक दीन थर्ड पोजीशन है अब्दुल मनान देखिए असाधा ने तो अपनी नियत कर दी लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी जिम्मेदारी
सारे अपग्रेड हों, और दूसरी सहूलियात भी इसको मुयसर हों ताकि ये बच्चे का जो है इस मुल्क को भी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। मेहमान खुसूसी से खास तौर पर ये कहूँगी कि जाहिर सी बात है इन लोगों के दरबार को अपने तलबात इस्तेमाल करके यहाँ अगर हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा सकते हैं। मैं भी किसी साहब के पास गई थी और अपनी हम भी वाले की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाँचवीं क्लास के बाद इन बच्चों के लिए कोई दूसरा जरिया कोई दूसरा इदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हमें लाजमी कोशिश करनी होगी सब को मिलकर कि हम इस इदारे को आगे बढ़ाएँ और इन बच्चों के काम आ सकें। आखिर में मैं कहती हूँ कि हम सब मिलकर एफर्ट करते हैं, हम वाले हैं अफसराने वाला हैं और बच्चे जो हैं हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस इदारे को तरक्की का शिक्षा संस्कार बनाएँ और इंशाल्लाह यहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर मुल्कों को काम आ सकें और फ़ायदा।